नमस्कार, न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, सियासी दलों में उथल पुथल मची हुई है। तमाम सियासी दल एक दूसरे के घरों में सेंधमारी में जुटे हुए हैं और इसकी सबसे ताजा मिसाल देखने को मिली उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान। उम्मीद के विपरीत राज्यसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में क्रॉस वोटिंग हुई, उससे यह स्पष्ट हो गया कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे, चुनाव जीतने के लिए एक दूसरे दलों में सेंधमारी का यह सिलसिला जारी रहेगा। गुड्डू जमाली जो बसपा के नेता थे, उन्होंने आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। ये बात अलग है कि आजमगढ़ के दौरान जब उपचुनाव हो रहे थे तो बहुजन समाज पार्टी ने गुड्डू जमाली को उतार करके समाजवादी पार्टी को यह चुनाव हरवा दिया, लेकिन अब गुड्डू जमाली खुद समाजवादी पार्टी के नाव पर सवार हो गए। लेकिन सबसे हैरत की बात कल देखने को मिली जब राज्यसभा चुनाव के दौरान मनोज पांडे जैसे समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, या यूं कहा जाए कि अखिलेश यादव के बेहद करीबी नेताओं में शुमार होने वाले मनोज पांडे, उनके साथ तमाम दूसरे साथियों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट कर दिया। इसके लिए तो मनोज पांडे ने समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक का पद भी छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया उन्होंने, और वो भी वोटिंग से ठीक थोड़ी देर पहले ही। 5 और विधायक उनके साथ चले गए मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, और इस सेंधमारी के जरिए ही भारतीय जनता पार्टी अपने 8वें उम्मीदवार को चुनाव जितवाने में कामयाब भी हो गई। तो आखिर समाजवादी पार्टी में भगदड़ क्यों मची हुई है और क्या सेंधमारी के सहारे ही उत्तर प्रदेश में आने वाला चुनाव लड़ा जाएगा? 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार जिस तरीके से सेंधमारी में जुटे हुए हैं, तो क्या आने वाले दिनों में बसपा और समाजवादी पार्टी में किसी और बड़ी टूट की संभावना है? और क्या आने वाले वक्त में सियासत में ये रवायत जो जनप्रतिनिधि है जो चुन कर आते हैं, क्या उनकी निष्ठा उनकी ईमानदारी पर सवाल नहीं खड़ी करेगी? आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ हम इस चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी से फराज किदवई साहब इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा कुंवर सिंह निषाद साहब हैं जो हमारे साथ शामिल हो रहे हैं इस चर्चा में कांग्रेस पार्टी की तरफ से। मनीष अग्रवाल जी राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, और दीपक सोनकर जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, वो भी इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। हालांकि मेरी कोशिश थी कि मैं आज इस डिबेट की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से करता, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल उन्हीं के लिए ही है, लेकिन फिर भी अभी वो नहीं जुड़ पाए हैं, इसलिए फराज किदवई साहब के पास चलते हैं। फराज किदवई साहब, इस तरीके की टूट की संभावना या आशंका कभी सोची भी नहीं गई होगी कि मनोज पांडे जैसे नेता, जब स्वामी प्रसाद मौर्य और मनोज पांडे में किसी एक को चुनने का वक्त आया तो अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को किनारे कर दिया और मनोज पांडे को अपनाया, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा और मनोज पांडे ने पाला बदल दिया। क्या माना जाए कि क्या आपके नेतृत्व को इस बात का एहसास नहीं हो पाया, आभास नहीं हो पाया, या रणनीति में कोई बड़ी चूक हो रही है आपसे कि एक एक करके आपके तमाम सिपे सलार छोड़ छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं? मानस जी, देखिए दो चीजें हैं। एक तो सबसे पहली बात को इनको बागी ना कहा जाए, क्योंकि बागी और बगावत एक बहुत बड़ा शब्द होता है, और 1947 से पहले जब आजादी के मतवाले, मैंने कतई इनको बागी नहीं कहा, क्योंकि बगावत आपको नहीं कह रहा हूं मैं माना जी, आपको नहीं कह रहा हूं मैं जी। कल से मैं काफी न्यूज चैनल्स में गया और हर जगह ये कहा जा रहा है कि साहब ये बागी हो गए। देखिए, बागी एक मेरे हिसाब से एक सम्मानजनक शब्द है और बगावत एक बहुत बड़ा वर्ड है। 1947 से पहले बगावत की हमारे आजादी के मतवालों ने अंग्रेजों के खिलाफ, और बहुत सारे लोग उस टाइम भी अंग्रेजों के पेंशन पे थे और उनके पेरोल पर थे। इनको मैं मानस जी बागी नहीं, इनको गद्दार बोलूंगा, क्योंकि अभी आपने जैसे बोला कि जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इन सारे नेताओं को तरजीह दी, मुख्य सचेतक बनाया, अरे साहब आज की तारीख में मानस जी एक सभासद का चुनाव जीतना और सभासद बनना और पार्षद बनना इतना मुश्किल है, आपको मुख्य सचेतक बनाया गया,
लेकिन ठीक है, चलिए देखिए राजनीति का ये वो काल चल रहा है कि जहां मानस जी अभी आपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला कि तोड़फोड़ हो रही है, सारी चीजें हो रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के इस राजनीतिक काल में तोड़फोड़ बहुत एक कोई बहुत ही ये कॉमन चीज हो गई है। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का मैं इसलिए ब्लेम करूंगा कि इसमें रोल तो पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का ही है। आप देखिए कि जब ये इनके सबसे पुराने अलाय मानस जी कौन थे, बाला साहब ठाकरे और शिवसेना। जब शिवसेना को इन्होंने तोड़ दिया और तोड़ने के बाद जो असली शिवसेना थी उसको इलेक्शन कमीशन से मिल करके और उसको नकली शिवसेना घोषित कर दिया, इन्होंने एनसीपी को तोड़ा और तमाम तरह की इन्होंने आप देखिए कि रामविलास पासवान की पार्टी को तोड़ा, और खाली उनकी पार्टी को नहीं तोड़ा, उनके परिवार में भी फूट डाल दी। आज की तारीख में चिराग पासवान और पशुपति नाथ पारस जो हैं वो दोनों बोलते हैं कि हम हाजीपुर से इलेक्शन लड़ेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये जो तोड़ फोड़ की नीति सीखी है ये बेसिकली अंग्रेजों से ही सीखी है। अब दूसरी बात आप देखिए कि जब जब भारतीय जनता पार्टी जो है वो उसको चुनाव उसको सत्ता और शासन पर काबिज होना है, उसके लिए चाहे मानस जी इनको लोकतांत्रिक तरीका अपनाना पड़े या अलोकतांत्रिक तरीका अपनाना पड़े। आप अभी देखिए कि बहुत दिन की बात नहीं हुई है, दिल्ली में जनता के जनादेश का अपमान इन्होंने अध्यादेश ला करके दिया किया। हम लोग मानस जी विपक्ष के लोग अक्सर कहते रहते थे, हम लोग की जबान घिस गई कि 2024 के बाद भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म हो रही है, लोकतंत्र का मर्डर हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा चंडीगढ़ मॉडल पे, सुप्रीम कोर्ट के दो ऑब्जर्वेशन थे और ये ऑन रिकॉर्ड्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट्स अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इट्स अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी। तो जब सुप्रीम कोर्ट मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी कह रहा है भाई, फराज भाई वो देखिए एक अलग मसला था और ये अलग मसला है। इसको दूसरे तरीके से क्यों ना समझा जाए कि समाजवादी पार्टी के जो आलाकमान है या जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं दरअसल वही अपना कुनबा सहज नहीं पा रहे, क्यों आपके घर के लोग छोड़ करके जा रहे हैं, सारा आरोप बीजेपी से क्यों लगा था कि वो तोड़फोड़ कर रही है, आपको सहज रखना चाहिए, आप क्यों नहीं अपने घर का सामान अपने घर के लोगों को सहज पा रहे हैं। मानस जी देखिए जब जब बड़ी लड़ाई हुई है, मैं फिर से आपसे बोलूंगा कि आजादी की लड़ाई जो है वो चंद लोगों ने लड़ी थी, बाकी सबने घुटने टेक दिए थे। 1977 में इमरजेंसी के दौरान भी जयप्रकाश नारायण जी, राम मनोहर लोहिया जी और तमाम कुछ नेता जिनकी जिनकी कुवत थी जेल जाने की, उन्होंने ही इमरजेंसी में लड़ाई लड़ी, बाकी सबने घुटने टेक दिए। तो आज जो लड़ाई है ये बड़ी लड़ाई है, ये मानस जी कोई छोटी लड़ाई नहीं है। आजादी की लड़ाई के बाद इमरजेंसी के टाइम पीरियड में जो लड़ाई थी वो चली और अब ये लड़ाई चल रही है। दूसरी बात मानस जी, मैं पूरी जिम्मेदारी से आप ये बात कहूंगा कि जब जब इस देश में कोई रिवॉल्यूशन आया है, कोई क्रांति आई है, तो वो या तो छात्र लाए हैं या नौजवान लाए हैं। 1972-73 के आसपास गुजरात में जब सोशियो इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन आया था तो वो कौन लाया था, वो छात्र लाए थे, और इतनी मजबूत सरकार उस टाइम चल रही थी, उस सरकार को घुटने टेकने पड़े थे और तब जाकर के वहां की सरकार को बर्खास्त किया गया था। जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन छात्रों और नौजवानों ने ही शुरू किया था। तो उत्तर प्रदेश में ये जो पेपर लीक हो रहे हैं और पेपर लीक होने के बाद जो छात्रों और नौजवानों ने ये जो आंदोलन शुरू किया, इसका नेतृत्व आदरणीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। तो आज के जयप्रकाश नारायण आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। तो जो 1977 के बाद आप देखिए कि हुआ था वो अब 2024 में होने को जा रहा है, क्योंकि जब जनता, जब छात्र, जब नौजवान, जब किसान, मजदूर, जब ये सब खड़े हो जाते हैं तो सत्ता परिवर्तन होता है। मानस जी चलिए दीपक सुनकर जी जुड़ गए हैं। दीपक जी सेंधमारी का ही सहारा है क्या, तोड़ तोड़ के ला रहे हैं आप, कभी बसपा से रितेश पांडे को तोड़ रहे हैं, कभी समाजवादी पार्टी के 6-7 विधायक तोड़ ले रहे हैं आप, तो 80 की 80 सीटें जीतनी है इसके लिए सिर्फ सेंधमारी करते रहेंगे आप? डिवाइस को अनम्यूट कर लीजिए दीपक सुंदर। मेरी आवाज मिल रही है आपको मानस जी? जी बिल्कुल मिल रही है। देखिए मानस जी, हम निश्चित रूप से 80 की 80 सीटें जीतेंगे और 80 की 80 सीटें जनता के विश्वास और जनता के भरोसे के साथ जीतेंगे। अंतिम पायदान पर पहुंचे हुए व्यक्ति को योजना के साथ जीतेंगे। जो आज गरीब कल्याण की योजना लोगों तक पहुंची उससे जीतेंगे। जो आपने टूट फूट की बात करी, देखिए आपने एक बात और जो बीजेपी में चर्चा में जुड़ा था, सहज की बात कह दी आपने, आपको संभालने की बात कही थी। अगर आज कोई भी जनप्रतिनिधि जनप्रतिनिधि बनता है या कोई भी करता है
तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जिस पार्टी और दल के साथ जुड़ा है वो सम्मान की अपेक्षा करता है, वो मानवता की अपेक्षा करता है, वो नेतृत्व की अपेक्षा करता है। अगर कहीं ना कहीं अगर कोई पार्टी उसको सम्मान देती है वो पार्टी को छोड़ के क्यों जाएगा, वो पार्टी को दूसरी पार्टी के लिए जाने के लिए क्यों तैयार होगा। और आज और कहीं ना कहीं वो विचारधारा जो विचारधाराओं से लोग जुड़े होते हैं, जो विचारधारा जनता के लिए काम करने के लिए, तो जो विचारधारा लोगों को योजना पहुंचाने के लिए होती है, और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो करके दिखाया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वो करके दिखाया। और कहीं ना कहीं जो देश के संकल्प को बदलते हुए, जो देश को राष्ट्रीय ध्वज की तरफ बढ़ते हुए, जो राष्ट्र को प्रधान बनाते हुए बढ़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर लोग विचारों के साथ जुड़ रहे हैं और हम कोई टूट फूट नहीं करते। समस्या तो यही है, मैं किदवे जी को भी सुन रहा था, भाई है हमारे, कहीं ना कहीं कभी भी जब कहीं जहां चुनाव में इनकी जीत हो जाए तो वहां बहुत कुछ चर्चा है, वहां लोकतंत्र पर भी कोई आरोप नहीं है, संविधान पर भी कोई आरोप नहीं है, हिमाचल में भी कोई आरोप नहीं है, लगातार जहां जीतते वहां कोई आरोप नहीं, जहां हार जाते हैं वहीं लोकतंत्र पर सवाल है, वहीं संविधान पर सवाल है, वहीं लोकतंत्र के हैरेसमेंट पर सवाल है। तो ये व्यवहार की रचनाएं आज भी है और हमेशा से, जब भी चुनाव 2017 चुने, मैं तो बात सत्यन के साथ कहता हूं मानस जी, जब 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार हुई, उससे पहले भी जनता ने समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद दिया, मगर उस देश की जनता उस प्रदेश की जनता को समाजवादी पार्टी ने क्या दिया, चकिया की गलियों से निकला हुआ अपराधी, मुजफ्फरनगर जैसे दंगे, उत्तर प्रदेश को अंधेरी गलियों में रखना, व्यापारियों के साथ लूट करना, गरीबों और दलितों की जमीनों को छीनना, दलितों के आरक्षण पर रोक लगाना, बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ना, अरे क्या जनता किस आधार पर आपको चुनने का काम करेगी। जनता उस आधार पर खड़ी होती है जो उसके साथ योजनाओं के साथ जुड़ता है। आज जिस गरीब के सर पर छत नहीं है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस गरीब के सर पर छत देने का काम किया है, उस बहन के घर पर उज्ज्वला गैस कनेक्शन से गैस चूल्हा जलाने का काम किया है, किसान निधि के माध्यम से किसानों को भला करने का काम किया है, शिक्षा क्षेत्र में कैसे लोग शिक्षा रोजगार के साथ बढ़ सके इस क्षेत्र में काम किया है। आज देश के अंदर उत्तर प्रदेश नंबर वन, पहले माफियाओं में नंबर वन था, अपराधियों में नंबर वन था, आज देश में एयरपोर्ट वे में नंबर वन, एक्सप्रेस वे में नंबर वन। ये कि जब जब डबल इंजन की सरकार इतना अच्छा काम कर रही है तो आप अपने कार्यकर्ताओं को अपने लोगों को प्रमोट करिए ना, आप क्यों रितेश पांडे को तोड़ के ला रहे हैं, आप क्यों मनोज पांडे, अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह, इन लोगों को क्यों आप समाजवादी पार्टी से तोड़ तोड़ के ला रहे हैं। भाई ये लोग वो लोग थे तो समाजवादी विचारधारा को अपना बताते थे और कहते थे नहीं हम पूरी निष्ठा के साथ अखिलेश यादव जी के साथ खड़े हुए हैं, वो अभी तक आपको कोस रहे थे, अचानक एंड मौके पर आपने राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए इन सबको अपने घर में शामिल कर लिया। तो जिनसे आप मुक्ति की बात कर रहे थे उन्हीं से आप युक्त होते जा रहे हैं। आपने एक देश में नारा दिया था कि कांग्रेस मुक्त भारत, आप देखिए तमाम कांग्रेस के लोगों को आप अपनी पार्टियों में शामिल कर रहे, समाजवादी पार्टी के लोगों को आप अपने दल में लेके आ रहे, बसपा के लोगों को आप अपने दल में लेके आ रहे, तो ये कौन सी रणनीति है, कौन सी विचारधारा है दीपक जी? देखिए मानस जी, निश्चित तौर पर ये कांग्रेस मुक्त भारत है, कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश है, और कहीं ना कहीं हम जो लोग आज बदलते विचारों के साथ जुड़ रहे हैं, लोग जो योजना जनता तक पहुंचनी उसके साथ जुड़ रहे हैं, लोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ जुड़ रहे हैं, वो उनके काम और कार्यकाल के साथ जुड़ रहे हैं, वो बदलते हुए देश में जो आज बदलाव दिख रहा है वो उसके साथ जुड़ रहे हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी तो, और आपने एक बात रखी थी कार्यकर्ताओं का संबंध, देखिए भारतीय जनता पार्टी में बूथ अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का बराबर सम्मान, एक एक कार्यकर्ता का बराबर सम्मान है, और निश्चित तौर पर ये सम्मान की ही बात, जब चाचा को अपमानित किया गया तब बात आई थी सामने, तो ये समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टी को विखंडन कहा, मेन सम्मान की बात है। आज उस कार्यकर्ता को सम्मान मिल रहा, उस प्रतिनिधि को सम्मान मिल रहा, उसको नेतृत्व मिल रहा, तो आज इसीलिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाह रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को निश्चित तौर पर उसका पूरा सम्मान है। और संगठन, जो संगठन की रचना, जो संगठन का सिद्धांत है, जो संगठन का स्ट्रक्चर है, जहां जिस कार्यकर्ता की भूमिका है उसको भूमिका को तय करने के लिए हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, प्रदेश कार्यकारिणी है, क्या सामूहिक निर्णय है, किसी एक व्यक्ति के मुखिया के आधार पर नहीं है। हमेशा से ये बात करते हैं पीडीए की, ये पीडीए क्या, ये पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है,
ये परिवार छोड़ती है, जो इन्होंने सम्मान देने का काम नहीं किया, केवल परिवार के लोगों को बदलाव करने का काम किया, आज कहीं ना कहीं वही विचारधारा आपको बदलने का काम कर रही है। जब परिवार का डेवलपमेंट करते रहोगे, परिवार डेवलपमेंट पार्टी चलाते रहोगे, तो अन्य कार्यकर्ता अन्य जनप्रतिनिधि कहां जाएगा, वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी का सहारा लेगा। चलिए कुंवर सिंह निषाद साहब के पास चलते हैं। कुंवर सिंह निषाद जी, कल से आप और समाजवादी पार्टी या कोई विपक्ष के लोग हमलावर है बीजेपी पर, लेकिन इसका सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। सिक्के का दूसरा पहलू ये कहता है कि रणनीति बनाने के मामले में भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन से कहीं आगे है, आप समझ भी नहीं पाए और वो अपना आठवां उम्मीदवार जितवा के लेके भी चले गए। नहीं, बड़ा अच्छा कहा आपने। मैं तो भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल दोषी नहीं मानता, मैं तो दोषी मानता हूँ अखिलेश यादव जी को। और मानस जी, अखिलेश यादव जी दोषी हैं इसके लिए, क्योंकि उनके पास बुलडोजर था, उनके पास शक्ति थी, लेकिन जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव जी अपने जो सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर सके, अखिलेश यादव जी उस बुलडोजर का उस तरीके से दुरुपयोग ना कर सके जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। अखिलेश यादव जी वो चीजें ना कर पाए जो भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद की नीति अपना के करती है, तो इसके लिए दोषी आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी दोषी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को तो ये चीजें पूरी तरह से इनके जीन में इनके बसी हुई हैं, जहां से इनकी स्थापना है आरएसएस, जो अंग्रेज इनको देके गए, वो चीजें वो दूसरा कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है। इनका बड़ा दिल है, दीपक सोनकर जी बड़े अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे अभी, दीपक जी ने कहा कि हमारे यहाँ तो सबका स्वागत है, वास्तव में इनका बड़ा दिल है और बड़ा इनका संस्थान है, इनके यहाँ स्वागत है हेमंत विश्व शर्मा का, शारदे घोटाले के आरोपी हैं, इनके यहाँ स्वागत है शुभेंदु अधिकारी का, बीएस येदुरप्पा का जो खनन घोटाले के आरोपी थे, शिवराज सिंह चौहान व्यापम घोटाले के आरोपी, जितेंद्र तिवारी कोयला चोर, नारायण राणे आदर्श सोसाइटी के आरोपी, प्रवीण दरेकर महाराष्ट्र मुंबई कॉपरेटिव बैंक के जो मामला हुआ उसके दोषी, तो इनका बड़ा हृदय है। तो इस प्रकार की जो नीतियां, ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज वास्तव में इस देश के संविधान की हत्या करने लगी है, इस देश को तोड़ने लगी है, इस देश के जो ईडी सीबीआई सीडी आईटी इनकम टैक्स पुलिस पुरस्कार इन सब के उपयोग और दुरुपयोग करके इस देश को बर्बाद करने में लगी है। इन्होंने बड़े लंबी चौड़ी बात कर रहे थे दीपक जी के, इनका बड़ा योगदान है इस देश को विकास करने में, 205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया साहब, ये किसी और ने नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया, और केवल इस दम पे किया क्योंकि उन्होंने साम दाम दंड भेद के तरीके से अन्य अन्य राज्यों में जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारों को बर्बाद करने का काम किया, तोड़ने का काम किया, खत्म करने का काम किया। इस देश की भुखमरी की स्थिति है, महंगाई की स्थिति है जो लगातार बढ़ रही है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, वो इसलिए हो पाया क्योंकि आपकी सरकार इस देश के साथ झूठ बोलने का काम करती है, चलावा करने का काम करती है, गुमराह करने का काम करती है। आपकी सरकार जो कुछ कहती है उसका उलट करती है, आप किसानों की आय दुगनी करने वाले लोग लेकिन ना कर सके, आज तो किसानों के लिए आप कील ठोक देते हैं, तो उससे आपको सह मिलती है कि आप जो करेंगे, क्योंकि आपके हाथ में पावर है, पैसा है, सीबीआई है, ईडी है, आईटी है, तो आप जो करेंगे वो ठीक है। लेकिन एक बात दीपक सोनकर जी आपको भी याद रखनी चाहिए, इस देश की जनता ने अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बड़े नेता को भी धराशायी करने का काम किया है, तो आपके जो नरेंद्र भाई मोदी जिस तरह की नीतियों पर चल रहे हैं, तो निश्चित मान के चलिए कि एक राज्यसभा का चुनाव इस प्रकार से जीत के आपने आपने जो चेहरा उजागर किया है वो भी जनता देख रही है, वो भी जनता के सामने है। वास्तव में आपने दिखाया चंडीगढ़ में जो कुछ मेयर इलेक्शन में हुआ, वो भी पूरे देश ने देखा कि किस प्रकार से बेईमानी करके भारतीय जनता पार्टी किस निम्न स्तर पर जा सकती है, और वास्तव में आपका जो राष्ट्रवाद है उसका जो सही में अगर देखा जाए तो मानस जी इनका जो राष्ट्रवाद है वो सत्ता की भूख पर आके सिमट गया, इनको एन केन प्रकारेण सत्ता चाहिए, और इसके अलावा इनको व्यवस्था परिवर्तन, इस देश में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, इस देश के आम गरीब मजदूर किसान से कोई सरोकार नहीं है। कुंवर सिंह निषाद जी, कभी आपको ये नहीं लगा कि सीबीआई को पिंजरे का तोता किसकी सरकार के कार्यकाल के दौरान कहा गया, कभी आपको एहसास हुआ ये परंपरा की शुरुआत किसने की?
ये तो आप देख ही रहे हैं कि कौन शुरुआत कर, किस समय, इस समय पे क्या चल रहा है, क्या घटनाक्रम है, और किस भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, उनकी पार्टी में जो व्यक्ति शामिल हो जाए। बड़ी बात, सादगी से बात करता हूँ, क्योंकि मैं कोई एजेंडा लेके कभी भी नहीं आता हूँ, ये आप लोग जो भी मुझे बैठे पैनलिस्ट वो जानते हैं। देखिए, 10 साल आपकी यूपी की सरकार रही, समाजवादी पार्टी में जो नेताजी, कभी आय से अधिक संपत्ति का मामला कभी जा रहा है, कभी आ रहा है, कभी क्लोजर रिपोर्ट लग रही, कभी फिर से रीओपन किया जा रहा है, वही हाल मायावती जी के साथ भी था। तो देखिए, ये जो एक चलन होता है ना, कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत होती है और दूसरे लोग उसको अडॉप्ट करके उसका और विस्तार करते चले जाते हैं। तो ये तो एक ट्रेंड चला आ रहा है, जिसका कह सकते हैं कि एक्सटेंशन अब हो रहा है, जिसको कहा जा रहा है। तो ये तो उसी वक्त समझना चाहिए था कि जब आप किसी नई परंपरा की शुरुआत करते हैं तो आप इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि आने वाले लोग भी उसको एक नजीर मान लेते हैं। अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं, मेरे ख्याल से मनीष अग्रवाल जी तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते, लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि वो इस बारे में जरूर अपनी राय रखें कि क्या नहीं लगता कि इस देश में एक पिछले लंबे समय से एक नई तरीके की परंपरा की शुरुआत हो गई है और जिसका एक्सटेंशन लगातार होता चला जा रहा है। मानस जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है, मैं इसी पे आना ही चाह रहा था। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इमरजेंसी की जिक्र कर रहे थे, और जिस पार्टी ने इमरजेंसी लगाई है आज उनके संग कोलैबोरेशन में है। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय सीबीआई का एक नोटिस भी पहुंचा है, खबर ऐसी आ रही है, अखिलेश जी को सीबीआई का एक नोटिस पहुंचा है, खनन के मामले में उनको हाजिर होना है। जी, वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तभी मुकदमा हुआ था ना लालू सिंह यादव पे, जिसमें वो कन्विक्ट हुए हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तभी और विपक्ष के नेताओं पे मुकदमे होते थे। आज विपक्ष ये कह रहा है, समाजवादी पार्टी कह रही है इमरजेंसी गलत थी, कांग्रेस के साथ कोलैबोरेशन करके यूपी में चुनाव लड़ना चाह रही है। तो आपको बैकग्राउंड देख के मुद्दे तय करने पड़ेंगे, तभी तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम या एजेंडा कहा जाता है चुनाव में आने से पहले, लेकिन वो कहीं भी प्रदर्शित नहीं होता है। मैं एक चीज का और जिक्र करना चाहता था, राहुल गांधी जी जब यूपी में प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने कुछ ऐसे शब्द प्रयोग करे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के परिवार के खिलाफ जो नहीं करने चाहिए थे। मेरा कॉमन प्रदर्शन है, सबका अपना सम्मान है, लेकिन उस पर किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। दूसरों के मुद्दों पे सब सवाल उठाते हैं, भाजपा सीबीआई ईडी का सवाल कर रही है, सब कहते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय चंडीगढ़ के पक्ष में के लिए आता है सब उसका सम्मान करते हैं। जब आम आदमी पार्टी के लोगों को एक एक साल तक बेल नहीं मिलती उसी सुप्रीम कोर्ट से, तो वो मुकदमे फर्जी हो जाते हैं। तो आज की जनता टेक्नोलॉजी के युग में सब समझदार है, सब जानते हैं मानस जी ये कौन क्या कर रहा है, कहां से कैसे आ रहे हैं। आप इसका दोष जनता पे नहीं दे पाएंगे कि जनता गलत डिसाइड कर रही है। आप अपने 110 विधायकों को नहीं रोक पा रहे हैं और 145 करोड़ की जनता के पास आप वोट मांगने जा रहे हैं। आपके विधायकों का आपको पता नहीं रहता कि ये कल किसको वोट करेंगे। जिसको आपने पूरा सम्मान दिया, मुख्य सचेतक जैसा पद दिया, वो भी ऐसा कर जाते हैं, और इससे ज्यादा बड़ा उन्हें क्या प्रोफाइल मिलता। हम तो यूपी की चर्चा कर रहे हैं, भी जानते होंगे हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ है चुनाव में। आज सुबह वहां पे मंत्री जी ने इस्तीफा दिया ये कहते हुए कि हम अपनी सरकार की नीतियों से खुश नहीं है। तो ये जो पोल मैनेजमेंट है, जैसा आपने डिबेट की शुरू में कहा था, ये पोल मैनेजमेंट हमें कहीं ना कहीं सीखना पड़ेगा। चाहे वो भाजपा का आज अच्छा है, अगर क्लास में कोई बच्चा अच्छा है तो हमें उससे कुछ पढ़ने में बुराई नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि हम उसी के जैसे हो जाएंगे। तो इन लोगों को ये चीजें सीखनी पड़ेंगी और इसके रिपरकशन आपको अभी यूपी में होने वाले चुनावों में दिखेंगे। सोनिया गांधी जी के रायबरेली सीट को छोड़ने का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि रायबरेली की सीट भी उनके हाथ से निकल जाए, क्योंकि आप एक सोशल मैसेज नहीं दे पा रहे हैं। आप देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को जब प्रधानमंत्री बनना था तो उन्होंने गुजरात से चुनाव नहीं लड़ा, वाराणसी से आके चुनाव लड़ा, जहां पे उस समय भाजपा के पास 10 सीटें थी मात्र यूपी में। तब भी उन्होंने इतना कैलकुलेटेड रिस्क लिया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जिस रास्ते से हमें देश में जाना है उस जनता के बीच में जाके अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। और उन्होंने यहाँ आके प्रूव करा और वो 10 सीटों से भाजपा 70 प्लस सीटों तक गई 2014 के चुनाव में। और अगर आज माननीय सोनिया गांधी जी ये रिस्क नहीं लेती कि मैं सेफ सीट से राज्यसभा से जाऊंगी, रायबरेली नहीं लड़ूंगी, और नेता सेफ सीट तलाश रहे हैं, तो ये बड़ा मुश्किल है। आप जनता के बीच में जाके उनके वोट को फेस नहीं करना चाह रहे हैं, उनको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं,
ज्वलंत मुद्दों को लेकर जाते हैं, पेपर लीक हो रहा है और घटनाएं हो रही है, उन सब की जांच हो सकती है, लेकिन जो जनता के मुद्दे हैं आपको उनको छूना पड़ेगा। आप उन्हें कैसे रोजगार दोगे अगर भाजपा नहीं दे पा रही? आप उन्हें और चीजें कैसे मुहैया कराओगे अगर ये नहीं दे पा रहे हैं? इसका कोई रोड मैप नहीं है। देश के ऊपर कर्जा है, देश की इकोनॉमी तो जनता को दिख रही है कि 11वें नंबर से 5वें नंबर पे आ रही है और प्रधानमंत्री का वादा है कि तीसरे नंबर पे आ जाएगी। तो आपने ये जो कर्जा बताया है, क्या इसके सवाल कभी लोकसभा में उठाए? क्या कभी इस पे जवाब मांगा? जहां आपके पास मौका था उस फ्रंट पे कोई सवाल नहीं पूछे जाते हैं और फिर आके जनता में ये कहा जाता है कि ये चीजें सही नहीं हो रही। तो जैसा कि मानस जी आप कह रहे थे कि भूत में इन्होंने जो करा है वर्तमान में वो फेस करना पड़ रहा है और आज इन्हें ये लग रहा है कि ये इनके साथ गलत हो रहा है। आज आप बताइए, पिछले 10 सालों में किसी सरकार को बर्खास्त करा गया है? पहले ये बड़ी आम बात होती थी राष्ट्रपति शासन लगाना, आज तो किसी परिस्थितियों में नहीं करा जा रहा। इसके लिए क्या कोई विपक्ष कुछ कहना चाहेगा कि आज ऐसा कोई है? लेकिन वो लोग उस चीजों को नहीं मान रहे। ऐसा नहीं है देश में आज घटनाएं नहीं हो रही या पहले घटनाएं नहीं होती थी, पहले सरकार किन रीजंस पे बर्खास्त करी जाती थी ये कौन नहीं जानता है, लेकिन आज अगर ऐसी कोई घटना नहीं हो रही है तो भी लोकतंत्र खतरे में है। इमरजेंसी थी तब लोकतंत्र खतरे में नहीं था, आज सब अपनी अपनी बात बोल रहे हैं हर चैनल पे हर अखबार में, फिर भी लोकतंत्र खतरे में है। तो इसका क्या आकलन आप करना चाहेंगे? बिल्कुल सही है, इन पार्टियों ने एक बार जवाब ले जी। माना जी मुझे लगता है आपको मुझे कम से कम आधे घंटे का समय देना पड़ेगा क्योंकि मुझे सोनकर जी की भी बातों का जवाब देना पड़ेगा और मनीष भाई की बातों का भी जवाब देना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। आपने कांग्रेस के बारे में एक बात कही मानस जी, और आपने कुछ सीबीआई का नाम लिया कि उनके टाइम पे भी होता था। देखिए 2004 से और 2014 के बीच में टोटल ईडी के एक्शन 26 होते हैं, जिसमें 14 जो है वो अपोजिशन के खिलाफ थे यानी 54%, और ये 26 एक्शन पिछले 9 साल में बढ़कर के 121 हो गए और इन 121 में 115 अपोजिशन लीडर्स के ऊपर है। तो जो ये विंडिक्टिव कार्रवाई हो रही है ये मैं नहीं पूरा देश देख रहा है। दूसरी बात, हमारे मनीष भाई ने इकोनॉमी की बात कही, गौर किया होगा तो मैंने कहा था कि किसी भी परंपरा को जब आप शुरू करते हैं तो आने वाले वक्त में उसका विस्तार उसका एक्सटेंशन होता है, क्योंकि एक रवायत आप जब शुरू कर देते हैं तो दूसरे लोग वक्त पड़ने पर उसको अपना हथियार बना लेते हैं। तो एक परंपरा की शुरुआत थी, और देखिए इतना लंबा वक्त को सार्वजनिक जीवन में और मुझे भी जर्नलिज्म में काफी वक्त हो गया है, तो वो दौर भी देखा गया ना कि जब जब जरूरत पड़ती थी किसी अध्यादेश पर किसी बिल पर वोट की तो एकदम से सीबीआई जाग जाती थी, उस दौर में एकदम से केस खुलने लगते थे, एकदम से चीजें होने लगती थी और उसके बाद फिर धीरे से चीजें शांत हो जाती थी। तो देखिए कुछ चीजें कहने की खुले मुंह से नहीं होती है लेकिन समझ में सबको आता है। मैंने कहा कि उसका एक्सटेंशन है। जी, मैं आपको इस बात का जवाब दे रहा हूं। देखिए 2014 से पहले जब मोदी जी अब अपनी कैंपेन कर रहे थे तो उन्होंने एक बात बोली थी कि गवर्नमेंट विद अ डिफरेंस। तो फिर गवर्नमेंट विद अ डिफरेंस अगर है तो फिर एक्सटेंशन क्यों, पहली बात। और दूसरी बात, मनीष जी की हम बात का जवाब देंगे, इन्होंने इमरजेंसी का जिक्र किया। समाजवादियों ने उस टाइम भी इमरजेंसी का विरोध किया था, आज भी इमरजेंसी का विरोध करते हैं। लेकिन आप देखिए कि प्रियंका जी का आप स्टेटमेंट देखिएगा कि उन्होंने इमरजेंसी के ऊपर खेद व्यक्त किया है। तो अगर पहले 1977 के टाइम पे इमरजेंसी के हालात थे और आज अघोषित इमरजेंसी अगर चल रही है तो क्या आप उस चीज को लेकर के क्या जस्टिफाई करेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है मानस जी कि अभी मनीष भाई ने बोला इकोनॉमी की बात। देखिए इकोनॉमी को आप कभी भी साइज ऑफ द इकोनॉमी से नहीं नाप सकते। एक अगर आदमी 6 फुट का है और आप कहें कि साहब ये देखिए देखने में कितना लंबा चौड़ा लग रहा है, मगर उसका लिवर सही काम नहीं कर रहा है, उसकी किडनी सही काम नहीं कर रही है, वो डायबिटिक है, वो ब्लड प्रेशर का मरीज है, तो फिर वो हेल्दी नहीं है। ठीक है, साइज ऑफ द इकोनॉमी है, क्यों? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है। ये खबर है इंडियन एक्सप्रेस की, आपने इकोनॉमी का जिक्र कर दिया, ये कल का पेपर है। इसमें अगर आप देखिएगा तो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे आया है। इस सर्वे के हिसाब से मानस जी आज की तारीख में जो गांव का किसान है वो 3,770 रुपए महीना खर्च कर रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये NSSO का आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा है, आपने पढ़ लिया होगा, मनीष भाई ने भी पढ़ लिया होगा, लेकिन एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। ये मैं इंडियन एक्सप्रेस दिखा रहा हूं लेकिन निकला सारे अखबारों में, बहुत डिटेल्ड एनालिसिस है। तो जब देश का किसान परिवार कितने हैं, लगभग 15 करोड़, टोटल फैमिलीज इंडिया में कितनी है, लगभग 32 करोड़, यानी आधी पॉपुलेशन सरकारी आंकड़ों के हिसाब से अगर महीने में 3,770 रुपए खर्चा कर रही है तो कैसी इकोनॉमी, कौन सी इकोनॉमी, कहां की इकोनॉमी
मानस जी, हमारे भाई बात कर रहे थे अभी कि उत्तर प्रदेश आप बड़े हर चीज में नंबर वन पे चल रहा है और सारी चीजें उन्होंने बताई। मानस जी मैं नहीं बोल रहा हूँ, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया की किताब पढ़ लीजिएगा, इसमें अभी समय नहीं, मैंने आपसे आधे घंटे का समय मांगा था। इसके पेज नंबर 180 पे लिखा हुआ है कि मेटरनल मॉर्टिलिटी रेट रेशियो में आज की तारीख में 18 स्टेट्स का निकाला गया जिसमें उत्तर प्रदेश नंबर पर है। ये तो आर्थिक नीति वो बात होगी, मैं एक चीज नहीं समझ पा रहा हूँ, पल्लवी पटेल क्यों नाराज हो गई आपसे? मैं पल्लवी पटेल पे भी आ रहा हूँ मानस जी, पल्लवी पटेल पे भी आ रहा हूँ। उससे पहले जरा दलितों की बात कर ली जाए। भारतीय जनता पार्टी के हमारे दीपक भाई ने दलितों की बात की। बदायूं में एक 24 साल के दलित किसान की मार मार करके आज के उत्तर प्रदेश शासन में इसलिए हत्या कर दी जाती है कि वो सार्वजनिक नल से पानी पी रहा था। इंडियन एक्सप्रेस की खबर है 28 नवंबर 2023 की। महाराजगंज में भारतीय जनता पार्टी का एक नेता एक दलित महिला का रेप करता है और शायद उसके बाद में उसकी हत्या कर देता है, 5 सितंबर 2023 की खबर। जौनपुर में एक दलित व्यक्ति को जबरदस्ती पेशाब पिलाया जाता है, सुने माना जी आप, पेशाब पिलाया जाता है, इंडियन एक्सप्रेस 26 नवंबर 2023 की खबर। राम दुलार गौड़ भारतीय जनता पार्टी के सोनभद्र के एमएलए नाबालिग बच्ची के साथ रेप करने में उनको और फर्जी सर्टिफिकेट में छेड़छाड़ करने से 25 साल की कैद हो जाती है। आज उत्तर प्रदेश में महिला जज भी सुरक्षित नहीं है, एक महिला नौजवान महिला जुडिशियल ऑफिसर सेक्सुअल हैरेसमेंट से परेशान होकर मुख्य न्यायाधीश से चिट्ठी लगकर के इच्छा मृत्यु की अपील करती है। जो है ना डिबेट जो है उसका मतलब ये कि किसी हम नतीजे पे पहुंचे, कुछ कंक्लूजन जनता के सामने पेश कर सके अपने दर्शकों के सामने। चलिए आपके अपने लोग छोड़ के चले गए कोई बात नहीं, पल्लवी पटेल जिनको आपने अपने साथ रखा, जिनको अपने सिंबल पर चुनाव लड़वाया, वो आपसे नाराज हो गए। तो कभी आपको नहीं लगा कि समाजवादी पार्टी में ऐसा क्या हो रहा है कि उनके अपने लोग लगातार नाराज हो रहे हैं, सहयोगी दल आपके साथ टिक नहीं पाते हैं, आपकी पार्टी के लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं, जिनको आप पकड़ के लाते हैं वो फिर नाराज हो जाते हैं। तो आप कभी आत्मचिंतन समाजवादी पार्टी में इस पर कभी मंथन होता है कि नहीं? माना जी देखिए, जहां तक रही बात पल्लवी पटेल जी की, वो कहां चली गई हैं आप बताइए, उन्होंने किसको वोट दिया है, किसको वोट दिया है? और ओम प्रकाश राजभर जी के एमएलए ने किसको वोट दिया है, ये भी आप जनता के सामने बता दिए। देखिए हमारे यहाँ क्या है, हमारे गठबंधन में लोकतंत्र है मानस जी, ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही आम को इमली तो मुख्यमंत्री जी भी वही कहेंगे, होम मिनिस्टर साहब भी वही कहेंगे और इनका जिलाध्यक्ष भी कहेगा। पल्लवी पटेल जी ने उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था कि हमारी अखिलेश जी से फोन पे बात हुई, हम लड़ेंगे भी झगड़ेंगे भी लेकिन हम साथ में मिलकर के सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ेंगे। तो पल्लवी पटेल जी कहीं नहीं गई है। लेकिन मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं कि हर दौर में मानस जी हमारे 111 एमएलए हैं, 111 एमएलए में 6 एमएलए 7 एमएलए अगर गद्दारी करते हैं तो अच्छा हुआ गद्दारी करके वो चले गए, कम से कम आगे हम ठीक से लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन हमारे साथ देश का उत्तर प्रदेश का नौजवान है दीपक सुनकर जी के पास चले जाए। दीपक सुनकर जी पल्लवी पटेल की बात कर लेते हैं, वो वोट तो करती है पीडीए के पक्ष में, लेकिन जब वो ट्वीट करती है तो मुख्यमंत्री की तारीफ करने लगती है, ये कौन सा चल रहा है, ये कुछ उसमें भी कुछ गणित चल रहा है क्या, कुछ लाने की कुछ प्रयास हो रहा है या अपना दल कमेरावादी को भी समाहित करने की कोशिश चल रही है, ये समझ में नहीं आया लोगों को। देखिए मानस भाई, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का कार्यकाल ऐसा है, मुख्यमंत्री के काम ऐसे हैं, मुख्यमंत्री की योजनाएं ऐसी हैं, इसलिए दूसरे विधायक भी तारीफ कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं। अभी हमारे आदरणीय किरदार भाई साहब जो है बता रहे थे दलित समाज पर बहुत सारी खबरें इन्होंने गिराई। आप गूगल पर आप सर्च कर लेना, 2015 के अंदर इटावा के अंदर एक दलित दो किसानों को ट्रैक्टर से कुचल करके समाजवादी पार्टी के लोगों ने मार दिया गया था, कोई एफआईआर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। आप गूगल कर लेना किस तरीके से लगातार जो दलितों पर अत्याचार करने में सबसे नंबर वन समाजवादी पार्टी का कार्यकाल रहा। आप गूगल कर लेना कि जब जिस तरीके से किस तरीके से एक पत्रकार को शाहजहांपुर के थाने में जलाने की जरूरत नहीं है, एनसीआरबी के सारे आंकड़े हैं हमारे पास, हमारी सरकार के भी हैं आपके सरकार के भी हैं सारे आंकड़े हैं। और आप मैं बता दूं कि हमारी सरकार में क्या था आपकी सरकार में क्या है, और इस बताने में दीपक भाई ये मेरा सवाल देखिए, फिर मूल सवाल वही है कि पल्लवी पटेल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को थैंक यू क्यों बोलने, किस बात का थैंक यू, कि उन्होंने अपना 8वां उम्मीदवार जितवा लिया इसका थैंक यू, या कोई भी कोई और रणनीति पे आप लोग काम करें, वो क्यों थैंक यू कह रही, मैं ये समझता इस सवाल का जवाब
मैं चाह रहा था कि दर्शकों को मालूम पड़ सके इस थैंक यू के पीछे की वजह क्या है। सोशल मीडिया पे लिखा, ऐसा नहीं कि कोई गोपनीय पत्र लिखा हो, सोशल मीडिया पे लिखा कि मुख्यमंत्री को बहुत धन्यवाद, थैंक यू। देखिए उस धन्यवाद का मूल अर्थ क्या है वो तो मुझे लगता है पूर्ण रूप से पल्लवी पटेल जी भी अच्छा बता सकती है, मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुख्यमंत्री का कार्यकाल है और जो उन्होंने अपने समाजवादी पार्टी का कार्यकाल देखा है, जो मैं उस बात की बात कर रहा हूँ, जो आज बदलाव प्रदेश के अंदर दिख रहा है, जो विचारों का बदलाव है, जो सरकार की योजनाओं का बदलाव है, जो निश्चित तौर पर अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति का बदलाव है, वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस बात का धन्यवाद कर रहे हैं। निशा साहब जी, कल जो क्रॉस वोटिंग हुई जिस तरीके से, और आपने देखा कि सारी गणित रखी की रखी रह गई, भारतीय जनता पार्टी ने जो टारगेट सेट किया उस टारगेट को उसने अचीव किया। अब कल मैं खुद भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर मौजूद था, तो वहां पर राज्यसभा चुनाव में जीतने के बाद एक बात वहां पर बड़ी जोर जोर से कही जा रही थी कि 8 हमने जीत ली, अब 80 भी जीत लेंगे। यानी इतना कॉन्फिडेंस उनके अंदर है कि जिस तरीके से 8 जीती है राज्यसभा की, कोई विपक्ष इंडिया गठबंधन काम नहीं आया, 80 भी जीत लेंगे, आप लोग बैठे रह जाएंगे। देखिए मनसी, राजनीति में अहम और वहम, ये दो चीजें बड़ी घातक होती हैं। अभी दीपक सोनकर जी की पार्टी को बड़ा अहम है कि हम पूरे देश की जनता पर है। तो अहम है ना तो वहम है, हमें तो जनता पे विश्वास है, उस जनता पे जिस जनता को आप मूर्ख बताते हैं, हमें तो विश्वास है उस जनता पे जिस जनता को आप नकारने का काम करते हैं, हमें तो विश्वास है उस जिस जनता को आपने हमेशा गर्त में ले जाने का काम। बोलिए आप, बोलिए बोलिए, नहीं है, हमें तो भरोसा और विश्वास है। बोलिए आप, बोलिए आप, अभी कुछ कहना बाकी होगा तो बताइए। अभी इनको बड़ा गूगल पे बड़ा इनको विश्वास है। अभी मैं भी गूगल करके देख रहा था, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र की घटना है, 5 दिन पुरानी है, ज्यादा पुरानी भी घटना नहीं है। एक दलित प्रधान, वाल्मीकि समाज का एक दलित प्रधान, उसकी पत्नी की अकस्मात मृत्यु हो जाती है और इनकी पार्टी के दबंग नेता उसका अंतिम संस्कार नहीं होने देते। जरा गूगल करके देखिए, क्या मैं सही कह रहा हूं गलत? गूगल करिए। आपकी सरकार में हाथरस में बेटी को रात को 2 बजे अंतिम संस्कार करना पड़ता है, क्योंकि आपकी सरकार की कलई उड़ रही थी। आपकी सरकार में आपके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बलात्कारियों को संरक्षण देने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं, गुमराह करने का काम करते हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे बलात्कारियों को संरक्षण देने का काम करते हैं। ये आपका चेहरा एक्सपोज है, आप जरा ज्यादा एक्सपोज मत करवाइए। महंगाई को यहाँ तक किस स्तर तक ले जाने वाले, देश के युवाओं को बेरोजगारी के रास्ते पर ले जाने वाले, इस देश को बर्बादी के गड्ढे में ढकेलने वाले, आप जरा शांत रहिए। आप जरा शांत रहेंगे तो बेहतर रहेगा। अभी अभी जो जो राज्यसभा का जो चुनाव है, राज्यसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी का आज मैंने कई अखबारों में मैंने बयान देखा। भाई आप बोलेंगे तो नहीं बोल पाऊंगा मैं, आप बोलेंगे तो नहीं बोल पाऊंगा। अखिलेश यादव का बयान सुन भी लेते हैं। नहीं, मैंने मैंने जो कहा मैं बता रहा हूँ, मैं अभी अपने पीसीआर से अनुरोध कर रहा हूँ, वो प्ले कर दें एक बार, हम लोग सुनना भी चाह रहे थे, देखें कि अखिलेश यादव क्या कह रहे थे। अंतरात्मा, अंतरात्मा से वोट दिया है, लगता तो ये कि अंतर खात्मा हो गया। जो लेट डाउन नियम है उनके तहत कार्रवाई होगी, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस बोर्ड से वो जीत करके आए हैं उसको कैसे फेस करेंगे आप बीजेपी से लड़कर के आए, बीजेपी से मुकाबला कर करके आए, तो जिस बोर्ड ने आपको जिता करके भेजा है, अब आपकी अंतरात्मा उन वोटर्स के लिए क्या कहेगी? जो सामने आपके खड़े होंगे वोटर्स, उनका जवाब क्या देंगे? और हमें तो याद है कि बहुत बड़े पैमाने पे सूचना बीजेपी की और आरएसएस क्या कर रही वो हमें देते थे। हमें तो दुख इस बात का है, जानकारी हमें कौन देगा? हमारे पीछे जो बैठते थे
वो बीजेपी और आरएसएस की हमें सूचना देते थे कि अब हमें कौन देगा वो सूचना। देखिए एक सवाल जो है दीपक भाई बड़ा वाजिब है कि जब आप बीजेपी की मुखालफत करके आप जनता के बीच गए, चुन के आ गए, अब आप दोबारा क्या कहेंगे जाके जनता के सामने, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए निश्चित तौर पर जनता का विश्वास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ और जनता का विश्वास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। और कहीं ना कहीं जब योजनाओं से लोगों को जोड़ा जाता है, योजनाओं से लोग आज लाभान्वित हो रहे हैं, तो आज लोग देश के प्रधानमंत्री कर दे और देश के कौन सी योजना है जिसके लाभार्थी सिर्फ विधायक हो रहे हैं, जिसके लाभार्थी सांसद हो रहे हैं। दीपक भाई मतलब ये समझ के बाहर है, ये एक नई किस्म की योजना लग रहा है आप लोगों ने लॉन्च की है चुनाव के लिए, जिसमें लाभार्थी विधायक के लोग। मानव जी नई योजना नहीं है, नई योजना के तहत इनके मुख्यमंत्री जी ने पेपर लीक कराने का काम किया, बड़ा गौरव इस देश को होना चाहिए। ये चर्चा रखी है मोदी जी ने झूठ बोला कि भाई ऋण माफ करेंगे उत्तर प्रदेश के लोगों का, लेकिन नहीं हो पाया, ये इनकी उपलब्धि है। एप्लीकेशन लगाने का आरोप है, दूसरों पर कीचड़ छाड़ने का आरोप है, बस इतना ही। सही बात है बिल्कुल, बलात्कारियों को संरक्षण देने का काम आप करते हैं। एक 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 लास्ट कमेंट लेते हैं ना, मनीष अग्रवाल जी है। मनीष अग्रवाल जी, सभी आपने जितने भी हमारे तीनों सियासी दल के लोगों को आपने सुना, अब आप मुझे ये बताइए कि जिस तरीके की रणनीति बीजेपी की तरफ से अपनाई जा रही है, कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं आने वाले समय में इंडिया गठबंधन के सामने। मानस जी मैं आपके दोनों सवालों का जवाब देता हूं। अगर समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो बीजेपी के अगेंस्ट के वोट से जीत के आए, तो वो कांग्रेस के वोट के भी अगेंस्ट जीत के आए हैं, उस समय वो कांग्रेस से भी कोलैबोरेशन में थे, तो जवाब उन्हें दोनों को देना पड़ेगा। दूसरी चीज, पल्लवी पटेल जी का जो आप सवाल पूछ रहे थे, पल्लवी पटेल जी का जो भी कुछ तय हुआ है समाजवादी पार्टी से, वो उन्होंने आज अपने ट्वीट के माध्यम से ऑप्शंस खुले रखे हैं, क्योंकि अभी एमएलसी चुनाव की यूपी में डिक्लेरेशन होना है कैंडिडेट्स की, तो वो उन्होंने बार्गेनिंग का पॉइंट ऑफ व्यू खुला रखा है वहां पे कि अगर हमारी चीजें नहीं मानी गई तो हम कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। तीसरी चीज, ये जो भारतीय जनता पार्टी के पोल मैनेजमेंट के अगेंस्ट आज जो विपक्ष का फेलियर हो रहा है, ये धीरे धीरे भाजपा की जड़ों को और मजबूत कर रहा है, और उन जड़ों की मजबूत करने का असर ये है कि जहां तक मुझे जानकारी में है, कल या परसों में भाजपा की पहली लिस्ट आ जाएगी जिसमें ज्यादातर वो सीटें कवर्ड होंगी जिसमें भाजपा पिछले चुनाव में हारी थी, जिसमें यूपी की भी 14 से 15 सीटें थी। काउंटर जी बिल्कुल ठीक इन्फॉर्मेशन है आपके पास जी, तो इन्फॉर्मेशन की वजह से मैं कह रहा हूँ, जब उनकी सीट्स आ जाएंगी, उनके कैंडिडेट्स डिक्लेयर हो जाएंगे, तो फिर एक भगदड़ मचेगी। अभी ये भगदड़ जो है ये 2-4 दिन के लिए साइलेंट है, सीट्स डिक्लेयर होंगी फिर वो बचेगी। तो आपको काउंटर नैरेटिव तैयार करके जनता के बीच में जाके क्या कहना है डिबेट्स में कहने की बजाय, जैसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इंडियन एक्सप्रेस को कोट कर रहे थे, तो हो सकता है उनके पास ये भी डेटा हो कि 25 करोड़ की आबादी में यूपी में इंडियन एक्सप्रेस कितने लोगों तक पहुंचता है, कौन पढ़ता है। इंडियन एक्सप्रेस के डेटा के आधार पे आप सरकार को क्वेश्चन नहीं कर सकते। नहीं नहीं, एनएसएसओ का आंकड़ा है सर, अरे एनएसएसओ का बात कर रहा हूं मैं, वो इंडियन एक्सप्रेस में छपा है। अरे मनीष भाई मैं आपको दैनिक जागरण में भी छपा है। फराज भाई आप एकदम ठीक कह रहे हैं, और ये बात ये जमीनी धरातल पे ये बात हकीकत है कि जो लोग आम लोग हैं, जो गांव में रहते हैं, देहात में रहते हैं या गली कूचे में रहने वाले जो आम मतदाता है, दरअसल ना तो वो उस प्रतिशत में टीवी देखते हैं और ना ही उस अनुपात में वो अखबार पढ़ पाते हैं, या कई उनकी कैपेसिटी के बाहर है। तो ठीक है, खास वर्ग में तो मीडिया किसी के लिए नैरेटिव सेट कर सकता है, लेकिन आखिरकार जब जब जनता ही जागृत होती है या जनता को ही किसी पार्टी की नीति समझ में आती है या उससे प्रभावित होती है, वो किसी वो तरीका कोई भी हो सकता है, दरअसल सत्ता तभी आती जाती है। मीडिया का रोल मानव जी 20 सेकंड दे दीजिएगा जी। मानव जी मैं ये बोल रहा हूँ, मनीष भाई मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये इंडियन एक्सप्रेस की जो मैं खबर कोट कर रहा हूँ, ये भारत सरकार की खबर है जो कि सारे न्यूज़पेपर्स में छपी है। मैंने हिंदी का पेपर मैं नहीं पढ़ पाया, लेकिन मुझे 100% विश्वास है क्योंकि एनएसएसओ की रिपोर्ट है और 11 साल बाद आई है। सरकार के ऊपर दबाव था
मौसपी के ऊपर दबाव था कि जो कंजम्पशन डेटा है उसको रिलीज किया जाए, क्योंकि मानस जी जो 2017-18 में कंजम्पशन डेटा का जो सर्वे हुआ था उसको गवर्नमेंट ने नहीं रिलीज किया था, वो इसलिए नहीं रिलीज किया था कि कंजम्पशन कम हो गया था, लीक रिपोर्ट से बता रही थी। तो भारत सरकार की ये रिपोर्ट का जिक्र कर रहा हूं मैं जो इंडियन एक्सप्रेस में छपी है, उस रिपोर्ट के हिसाब से किसानों का ये हाल है, मैं ये बताना चाह रहा हूं। चलिए ठीक है, रिपोर्ट्स कितने लोग पढ़ पाते, कितने लोग समझ पाते, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, उनकी शायद तादाद 1-2% भी नहीं होगी। चलिए चर्चा को ही समाप्त करते हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया, मनीष अग्रवाल जी, फराज की दुबई साहब, दीपक सोनकर जी, कुंवर सिंह निषाद जी, आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद तमाम गैर भाजपाई दलों पर सेंधमारी का खतरा बढ़ रहा, आने वाले समय में यह खतरा और भी बढ़ सकता है। चलिए चर्चा को ही विराम देते हैं, कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।